बीचों बीच चलेंगे फिर साइड साइड हो जाएंगे फिर बीचों बीच देख कितना मजा आएगा या इंजीनियरिंग करने के बाद काम नहीं मिलता तो फिल्मों में आ जाते क्या बाजी 2.5 किलो की लड़की ऐसे उठा लो बातें कम काम ज्यादा आप बोले भी ना स्क्रीन पे दिख रही है तो मजा तो आ ही रहा है शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपने मुझे इसलिए नहीं पहचाना एक्चुअली मैंने दाढ़ी रख ली है मैं पहले गाड़ी रखने वाला था फिर गाड़ी महंगी पड़ी पड़ रही थी मैंने दाढ़ी रख ली सिद्धू जी शी आर माई गुंडिस शी इज सुतली एंड शी इज चरखी एक्चुअली लड़कों को सब गुंडे रखते हैं मैंने लड़कियां रखी हुई हैं इन दोनों को साथ रखने का फायदा बड़े सिद्धू साहब पता है लफड़ा होता है ना मार बड़ी कम पड़ती है मैं इनको आगे कर देता हूँ गुंडी साहब ये बहुत शेर मारते हैं सिद्धू साहब आपको क्या लगता है सिर्फ आप शेर बोल सकते हैं मैं भी बहुत शेर मारता हूँ कल मैंने एक शेर मारा मैंने कहा मैं इधर से जा रहा था वो उधर से आ रही थी इधर से जा रहा था वो उधर से आ रही थी हाँ तो मैं इधर से जा रहा था वो उधर से आ रही थी वो उधर चली गई मैं उधर चला गया देखो मैं क्या कह रहा हूँ ये फालतू में तुकबंदी करना वाह वाह करना मैं इसमें बिलीव नहीं करता मेरे को ये है कि जो आदमी घर से निकल रहा है पहुंचना चाहिए भाई जब ये मेरे अंडर काम नहीं करती मैं इनके अंडर काम करता हूँ इनको मैंने एज ए बॉस रखा हुआ है क्योंकि क्या है ना इनको ऐसे पगार पे रखो तो इनको पगार देना पड़ता है अभी मैंने इनको एज ए बॉस रखा हुआ है तो ये मेरे को पगार देती है सिद्धू जी हमारा बदमाशी का काम है खानदानी काम है मुंडन से लेके शादी तक हर जगह की बदमाशी करते हैं हम लोग रिश्तेदार वगैरह पीट लेते हैं हम बाकी लोगों से हम तो मेरे को जैसे 6 साल के छोटे लड़के में पीट देता हूँ उससे बड़े नहीं मेरे से पीटते बदमाशी में क्या रिस्क बड़ा है सिद्धू साहब जब तक आप हावी हो ठीक है सामने वाला हावी हो जाए ना टेटनस की सुई लगती हुई मेरे को सुई से प्रॉब्लम नहीं मैं डरता नहीं हूँ लेकिन वो जो ऐसे उतार देते हैं ना शेम शेम होती है वो मेरे को अच्छा नहीं लगता है ये मेरी गुंडी ये भी मेरी तरह अखबार फेंकती है ये शाम को सामूहिक विवाह में मेहंदी लगाती है तुम लोग जाओ मैं बाद में आता हूँ ठीक है सलूट करके जाओ साहब को सिद्धू जी जी मेरी एक प्रॉब्लम है एक लड़की मेरे सपने में आती है रोज कहीं मेरे सामने आ जाए ना वो मैं जुंडी पकड़ के घुमाऊँ उसको कोई सुबह सुबह किसी के सपने में आने का टाइम होता है 5 बजे मेरे डार्क सर्कल पड़ गए ये कोई टाइम है घर से निकलेगा फोन क्यों नहीं किया मुझे एक्सक्यूज मी फोन क्यों करूं कौन हो तू मैं तुम्हें जानती नहीं जानती तो सोनी टीवी वालों को भी नहीं रोज 10-10 फोन करती मेरे को क्राइम पेट्रोल में ले लो मेरे को क्राइम पेट्रोल में ले लो क्या नाम बता अपना भूरी एंड यू डिंक जिक डिंक सुनना मेरी बात मेरे को तेरे से प्यार हो गया आई लव यू एक्सक्यूज मी कौन हो तू कप्पू का कजन कप्पू क्या कप्पू सुनना तो मेरे को क्यूट लग रही है तेरे को देखते के मेरे को कुछ कुछ होता है क्या होता है डकार आते हैं मेरे को कोई अच्छी सी दवाई बता ना मेरे को अरे तो डॉक्टर के पास जाना मेरे पास क्यों आए हो डॉक्टर पैसे बड़े लेता है तू नींबू पानी पिला अच्छा अब मैं तुम्हारे लिए नींबू पानी बनाऊं क्यों तूने बेचना छोड़ दिया नींबू पानी बेचने वाली लगती हो तुम्हें आई एम सो सॉरी अगर तुम्हें मेरी बात का बुरा लगा लगती तो तू गुड़ बेचने वाली है मैं कॉलेज जाती हूँ पढ़ने कॉलेज पढ़ने में क्या रखा है मेरे गले पर तेरे को देख कितना मजा आएगा अच्छा मेरी बात सुन नहीं तेरा एक बात बता मेरे को तेरे को सलमान पसंद है कि ऋतिक ऋतिक
तो ठीक है, हम अपने होने वाले बेबी का नाम ऋतिक रखेंगे। हेलो, एक्सक्यूज मी, मैं अब तुमसे शादी, अपनी शक्ल देखिए। मैं भी तो तेरी शक्ल से कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ। ज्यादा मत बोले, गुलाब तेरे नाक में दे दूंगा, छींक मारेगी ना। सुन मेरी बात। अच्छा बात सुनना फिर, तू तो गुस्सा भी बड़ा कर जाती है। तेरे को वो कटरीना पसंद है या तेरे को सोनाक्षी? कटरीना। कटरीना पसंद है। ये बात सोनाक्षी को बोल के तेरी टांगे तोड़वाता हूँ तेरी मैं। तेरे हो जाओ यहाँ से। यार मैं मजाक कर रहा था, मैं तेरे साथ ऐसे मन लगा रहता है, चैनल का भी भरोसा बना रहता है कि बंदे ठीक है। मौसम देख कितना अच्छा है, चल बीच पे चलते हैं। वहां क्या करेंगे? ऐसे बीचों बीच चलेंगे। ऐसे बीचों बीच चलेंगे, फिर साइड साइड हो जाएंगे, फिर बीचों बीच, देख कितना मजा आएगा। वहां नारियल पानी बेचेंगे, बड़ी कमाई होगी, मैं तेरे को बता रहा हूँ। एक सेकंड, डेट पे ले जाकर कौन नारियल पानी बेचता है? मैं बेचूंगा, तेरे से भी कहूंगा, पागल है तू? तू वो करना मालिश। अपने पैरों पे सरसों का तेल लगा के ना, मोटे मोटे आदमी लेटे रहते हैं, ऐसे स्कीन करना। तेरे को भी मजा आएगा, मोटे को भी ऐसे ऐसे होगा, झुंझुनी होगी, मजा आएगा। देख बिजनेस का भी सोचा कर, घर चलाना पता कितना मुश्किल है, सिद्धू जी को देख ले। क्या देख लूं? ऐसे देख, मजा आएगा उनको। उनको अच्छा लगेगा। वो भी तो तेरे को देखते हैं। अच्छा छोड़ना, ये बताया काला खट्टा खाती है? नहीं। तो फिर होठ कैसे खराब हुए तेरे? गुस्सा बेटा करती है ये। तुम्हारा पूरा खानदान पागल है या तुमने पागलपन में पीएचडी की है? तुम्हारे होठ शुरू से ऐसे हैं कि सड़क चाट चाट के की है। मेरे से बात बात नहीं करनी है मेरे को। लड़कियां मरती है मेरे पे, और जो ना मरे मैं ऐसे चुभो के मार देता हूँ। तुम्हें ठीक है, ये मत उठाना। अपनी लिमिट में रहो तुम। चल जिसकी है उसको वापस कर गया। आई तुम। अपनी लिमिट में रहो। लिमिट में नहीं रहना, मेरे को ठंड लगती है, रजाई मेरे। चलना गदर मचाते। खबरदार मुझे छुआ तो मैं शोर मचा दूंगी, मैं बोल रही हूँ। भड़क क्यों रही है? चल मैं आज फिल्म देखने चलते हैं। जीजा खिलवाए पिज्जा, क्या बोलती है? जल्दी जल्द पिज्जा, आधे घंटे में ठंडा हो जाएगा, 30 मिनट में डिलीवरी हो जाती हो। बाहर में गए तुम और तुम्हारा पिज्जा। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मेरी जिंदगी में ऑलरेडी दूसरा लड़का है। क्या? दूसरा लड़का? पहले वाले को पता है तेरी लाइफ में दूसरा लड़का है? और दूसरे वाले को पता है तेरी लाइफ में पहला लड़का है? नहीं तो पहला दूसरा दोनों हार्ट रहेंगे। अरे बेवकूफ, मैं किसी और को चाहती हूँ। ओ मतलब तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और, वैसा धोखेबाज। अरे क्या धोखेबाज, दूसरा लड़का पहले से है। अच्छा दूसरा पहले से है, तो पहला दूसरे से है? तो क्या मेरी जिंदगी में एक ही लड़का है जो पहले से है, जिसे मैं चाहती हूँ? तो कोई बात नहीं, मिलके रह लेंगे, उसमें क्या है। आई विल एडजस्ट। क्या बोलती है अद्दी, क्या कंडाला? ए सुनना, क्या है? अपने मोहल्ले का आमिर खान हूँ मैं, ये देख अद्दी क्या कंडाला। क्या बोलती है? देख मेरी बात सुन, आंखें बंद कर, तेरे लिए कुछ लाया हूं। ओके? अपनी नहीं, मेरी, मेरे को शर्म आती है। गिफ्ट ही कुछ ऐसा है। खबरदार, कोई उल्टी सीधी अगर चीज दी तुमने तो। घूम तो सही, घूम तो सही। ओ माय गॉड, कहीं से भी अच्छी नहीं लग रही। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे बालों में फूल लगाना चाहता हूँ, क्योंकि फूल गमले में ही अच्छे लगते हैं। यहाँ पूरा समंदर मेरा इंतजार कर रहा है और मैं यहाँ तालाब में गोते खा रहा हूँ। फूल निकाल, मेरा फूल निकाल। मेरा फूल। भूरी का फूल क्यों खींच रहे हो?
अब मैं नहीं चीना, मैं तो ऐसे पकड़ा हुआ था, इधर आके अपना जूड़ा अड़ा रही है ये पागल औरत, मैं तो इसको जानता तक नहीं, एवरेज से दिखने में लड़की कौन है ये? हैंडसम लड़का देखा नहीं कि उसका रास्ता रोक लिया। तेरे घर में बाप भाई नहीं है, चल जाके उनको देख। झूठे धोखेबाज बकार कहीं के, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। आ आओ छू। अभी तक तो तुम मेरी तारीफ ही कर रहे थे। देखो बारिश में आदमी जा रहा हो ना, थोड़ी देर के लिए पान के खोखे के नीचे खड़ा हो जाए तो उसका घर नहीं हो जाता। मैं ना तुम्हें देख लूंगी। हाई हील पहन के देखना, नहीं तो इतना इतना सिर्फ देख पाओगे। वाह! तुम होती कौन हो बीच में बोलने वाली चिंगारी? मैं ए होस्टेस हूँ, हम लोग के बीच में ही बात करती हूँ। तो अपनी कुर्सी की बेड़ी बांध लो इसके पहले कि मैं तुम्हें टेक ऑफ कर दूँ। ए, बूंदी के लड्डू, ए, दिवाली की सोन पापड़ी, इधर से उधर फॉरवर्ड होने वाली, कहीं तो टिक जा। What? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है तू क्या बोल रहे। She's trying to be funny, but she's not. Loser. You are my honey. Oh, yo, honey singer. मैं तुम्हें देख लूंगी। देख ले मेरे को, इससे ज्यादा क्या देखेगी तू? चिंटू जी को भी देख ले, ऐसे लेफ्ट आउट फील करते हैं फिर वो। तुझे क्या है, सारे दिन सबको घूरती रहती। तेरा नाम भूरी नहीं घूरी होना चाहिए, घूरी। चल हट। तो जा कभी हरियाणा में जाकर देख, तेरे से बड़ी लौकी होती है। तुमसे मैं बदला लेकर रहूंगी। 12 बजे से पहले लेना, 12 बजे के बाद बदला हुआ सामान वापिस नहीं किया जाता। चल जान देना गुस्सा, come on, hug me. Excuse me? शाम का क्या प्लान है फिर? मुझसे दूर रहो। क्यों, तुम्हें कोई बीमारी है? ओ भाई बहन, मैंने इतनी डेकोरेटेड नर्स पहली बार देखी है। थोड़ा पढ़ लिख लो, मैं नर्स नहीं हूँ, मैं एयर होस्टेस हूँ। ओ माय गॉड, यू एयर होस्टेस, मैं तुम्हारा यात्री। थोड़ा उड़ाओ ना मेरे को ऐसे। जल्दी से प्यार की पेटी बांधो। ईमान के चारों द्वार बंद करके लेट्स गो फॉर आपातकालीन स्थिति। लेट्स गिव ऑक्सीजन टू ईच अदर। सुनने मेरी बात, यू लुक हॉट। कैन आई कॉल यू बेबी? No. मेरा नाम चिंगारी है। Oh my God. What a name. चिंगारी कोई भड़की तो सावन से बुझाए, सावन जो आग लगाए। डिंक चिक डिंक। तुझे शर्म नहीं आती? आती है, जब मैं ऐसे नहाते हुए खुद को देखता हूँ मेरे को बहुत शर्म आती है। ओहो, दफा हो जाओ, यहाँ मुझे जाने दो। सुनना मेरी बात, सुन, दुख सुख में ना पड़ोसी काम आता है, मेरे को पायलट बनाना। पायलट कैसे बना सकते, उसका कोर्स होता है, कोर्स करो। मेरे से नहीं होता, आई हैव एटीट्यूड प्रॉब्लम। मेरे को इंतजार नहीं कि मैं बैठा हुआ हूँ, मैं लोगों का वेट करूँ, जिसको बैठना बैठे, मैं तो रोकूंगा इधर जिधर मेरा मन करेगा। एक काम करो, तुम जाओ और पायलट बना के आओ, फिर मैं आपके साथ बात कर रही हूँ। क्या पायलट लगा के रखा, कितने झूठे होते हैं तुम लोगों के पायलट, मेरे को पता है। कहते हम 40,000 फीट के ऊपर से उड़ रहे हैं, किसी को क्या पता सच बोल रहे कि झूठ, हमने नाप के देखा। चिंटू जी, कोई नापेगा? बिल्कुल ठीक। और वैसे भी सिद्धू जी, मेरे को लगता है 40,000 फीट क्यों उड़ाना, उतना उड़ाओ जितना जितना मोबाइल का वो टावर उसकी चोंच ना लगे टंकी में। ये मेरी बात सुनो, ये सब पायलट लोग पागल होते हैं, मेरे को पता है। लिसन, इतना आसान नहीं है फ्लाइट उड़ाने के लिए। इतना आसान नहीं है ऑटो चलाने के लिए। ओ गवार, ऑटो और प्लेन के कितने फर्क होते हैं। तो फर्क होता है, तेरा पायलट तो हवा में अकेला उड़ाता है ना, यहाँ पे सड़क पे 200 गाड़ियां आ गए, 200 पीछे, बीच में से ऐसे करके निकाल के लेके जाता है, तेरे को पता है। बोर्डिंग और चेकिंग भी खुद ही करना पड़ता है, सामने शीशा है, पीछे बैठी सवारी को भी देखना होता है, कभी कभी सवारी ऐसी चीजें करती है कि ध्यान नहीं हटता, ऐसे पीछे पीछे देख के आगे आगे चलाना पड़ता है। लेकिन बड़ा जहाज लगाया रखा, अपने जहाज के टॉयलेट ठीक कराओ पहले, वो काम वाम करने के बाद
बटन दबाते हैं इतनी आवाज आती ना ओश। एक बात बता, वो टॉयलेट सीट में सीट बेल्ट क्यों नहीं रखते? वहां सीट बेल्ट का क्या काम? अरे क्या बात करती, आदमी धोते धोते जान दो बैठे। मेरा दिमाग खराब मत करो, मैं जा रही हूँ घर। मैं छोड़ देता हूँ ना तेरे को। नहीं, मेरा घर यहाँ ही सामने। तो बात सुनना, फासला बढ़ा देते हैं। वैसे भी किसी शायर ने कहा है, रास्तों में ही मजा है, मंजिल में जाके कहाँ ढिंक जिके ढिंक जिके। ए ये बात सुन, हेलो, ओ हेलो, ओ ढिंक जिका, नो, ओ हेलो, बाय, बात तो सुन मेरी, नो, ये मैं तेरे साथ आ रहा हूँ, हट, ये बात तो सुन, पाजी आज एक बहुत ही खास मेहमान यहाँ पे आने वाले हैं। ये खास इसलिए हैं क्योंकि इनका फिल्मी सफर शुरू हुए बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन ये बंदा आते छा गया है। ये एक के बाद एक धांसू परफॉर्मेंस देख के दर्शकों का फेवरेट बनते जा रहे हैं। ज्यादा ना बोलते हुए प्लीज वेलकम द वेरी टैलेंटेड एंड द वेरी गुड लुकिंग विक्की कौशल। ओह ओह, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। जोरदार तालियां एक बार विक्की के लिए। थैंक यू। पाजी आपको शादी की बहुत 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 लव यू मेरे भाई। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। विक्की के साथ मेरा बहुत प्यार है श्याम कौशल, हमारी इंडस्ट्री के वन ऑफ द बिगेस्ट एक्शन डायरेक्टर हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी औलाद बड़ी नेक निकली है, टैलेंटेड निकली है। पूरी का ट्रेलर मैंने देखा, बहुत ही कमाल। थैंक यू सो मच। सो फिल्म के बारे में पाजी कुछ बताओ पहले। तो सबसे पहले तो ये हमारे ही तरफ से एक बहुत छोटा सा ट्रिब्यूट है हमारे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए, जो हम आज यहाँ हंस खेल रहे हैं, एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं, सुकून फील कर रहे हैं, क्योंकि वो कहीं रेगिस्तान में, जंगलों में, बर्फ में, अपने परिवार से दूर कहीं हमारे लिए लड़ रहे हैं, खड़े हैं, प्रॉब्लम्स से जूझ रहे हैं। तो उनके लिए एक छोटा सा ट्रिब्यूट है हमारी तरफ से, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। उरी जो सितंबर 2016 में एक हमारे उरी बेस कैंप पे अटैक हुआ था, जिसमें 19 हमारे ब्रेव सोल्जर्स शहीद हुए थे, और उसके रिस्पांस में एक सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था 10 दिनों में। अब वो कैसे हुआ था, क्या प्लानिंग हुई थी, कैसे इंटेलिजेंस आर्मी सब जुड़कर एक सर्जिकल स्ट्राइक की थी, एक टेररिज्म के खिलाफ एक जवाब दिया था, उस पर बेस्ड एक फिल्म है, और बहुत ही हम्बल एफर्ट है हमारी, और आशा करते हैं आप जब देखोगे आपको पसंद आएगी फिल्म। पाजी मैं एक पुलिस वाले का बेटा हूँ और आई लव माई आर्मी, क्योंकि सब सब ऑफकोर्स सब प्यार करते हैं, और सैल्यूट है हमारी आर्मी को, एक बार जोरदार तालियां हमारी आर्मी के लिए। और ये जी जी पाजी, ये ईंट का जवाब पत्थर से देना जरूरी भी बहुत है जी। मैं उसी चिता की अग्नि हूँ जो जलती है कश्मीर में, मैं उसी चिता की अग्नि हूँ जो जलती है मुंबई में, मैं तुम्हें बताने आया हूं कि आग लगी है देश में, और लगे आग इससे पहले तुम क्रांति मशाल जला दो, और आग लगाने वालों को तुम पहले आग लगा दो। क्या बात है भाई। भाजी हमें एज एन ऑडियंस अब इस जोड़ी से प्यार हो गया है, सो थैंक यू आप दोनों का। एक मुंह दो आंखें। हाँ जी, आंखें कभी अलग हो सकती अलग नहीं हो सकती, करेक्ट, लव यू भाजी। और दोस्त, दिल से अमीर दुआओं से आबाद है, ये दिल से अमीर दुआओं से आबाद है, तेरी अदाकारी में नए दौर का नया स्वाद है। वाह, थैंक यू सर, थैंक यू। कहीं दौलत तो कहीं शोहरत के अंबार होंगे, लेकिन तेरे पास टैलेंट की जायदाद है। वाह, थैंक यू सर, थैंक यू। क्या शेर मारा, टैलेंट का स्वाद है, मुझे भूख लग गई पता है। विक्की इस फिल्म में इंडियन ऑफिसर बने हुए हैं, राजी में ये पाकिस्तानी ऑफिसर बने हुए थे। पाजी पहले आप इसलिए पाकिस्तानी ऑफिसर बने थे कि पहले उनकी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हो।
बड़ा शरारती बंदा है यार तू. अच्छा विक्की वैसे इंजीनियर है, इन्होंने इंजीनियरिंग की हुई है, कम्युनिकेशन कौन सी पाजी? कौन सी इंजीनियरिंग की आपने? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन. इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन. हाँ जी. अपना जो चंदू नहीं आता चाय वाला, हाँ जी है, वो भी मैकेनिकल इंजीनियर. मैकेनिकल इंजीनियर शक्ल से गरीब लेकिन लगता है चाय वाले. पर विक्की के अलावा और बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग की है, जैसे अपने सोनू पाजी हैं, सोनू सूद, सुशांत सिंह राजपूत है, तापसी पन्नू है. अच्छा हम ये माने कि इंजीनियर अच्छे एक्टर भी होते हैं या इंजीनियरिंग करने के बाद काम नहीं मिलता तो फिल्मों में आ जाते हैं, क्या इसके पीछे क्या रीजन है? जनता जानना चाहती है. पता नहीं पाजी, क्योंकि इंजीनियरिंग में भी बड़ी एक्टिंग करनी पड़ती है. और विक्की एक मैं चीज पूछना चाहता हूँ यार, जब तुम्हें पता था कि एक्टर ही बनना है तो उधर पैसे क्यों लगवाए पापा के? वैसे भी ये शूट नहीं करते ऐसे ही बता दो. नहीं पाजी पता नहीं था मुझे. नहीं पता था? नहीं, बचपन से मैं स्टेज पे एक्टिव था, कभी फैंसी ड्रेस, नाटक, डांस वांस जो भी कर लिया, सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं एक्टर अंदर था. पर मैं ज्यादा सोचता नहीं था कि आगे क्या बनना है. कोई पूछता था क्या करना है आगे तो मैं सब एमबीए बोल रहा, मैं भी एमबीए बोल देता था. अच्छा. मेरा ध्यान होता था क्रिकेट पे, पिक्चरें देखना. तो क्रिकेट आपको पसंद है? बहुत पसंद. सिद्धू भाई को खेलते हुए देखा? बहुत देखा जी, बहुत ज्यादा देखा है, किसने नहीं देखा. पाजी ने इतनी सेंचुरीज बनाई है ना. हाँ जी. एक इनका और मैच हुआ था. मैंने कुछ कहा पाजी? मैंने कुछ बोला? मैंने कुछ बोला पाजी? मैं आपके शो का इतना बड़ा फैन हूँ ना, मुझे पता है किस मैच की बात कर रहे हैं. मैंने कुछ कहा ही नहीं पाजी. सेंचुरी का बेस बना के जीरो पे आता है. ध्यान से देखिए इस इंसान को, खुद ही बोल रहे हैं, मैंने तो नहीं बोला. आदमी ना चोर की दाढ़ी में तिनका. आपको लग रहा है मैंने तो बोलना नहीं था. मैंने कहा पाजी ने इतनी सेंचुरी बनाई है, इनका वो वाला मैच देखा था जिसमें इन्होंने 103 बनाए थे, वो मैं वो बोलने वाला था. पर हाँ 99 में हुआ था थोड़ा ब्लंडर. पर पाजी आई लव यू. मी टू पाजी. हाँ जी. जैसे आपने इस कमली का करेक्टर किया ना संजू में, पाजी मैं एम्स्टर्डम में था उस समय, मैं फॉरेन विजिट भी करता हूँ. मैं 2 घंटे ड्राइव करके गया वहाँ पे तो संजू फिल्म देखने, तो क्योंकि मुझे जानना था, मैं संजय दत्त का फैन हूँ, रणबीर का फैन, विक्की था फिल्म में मेरा भाई. अच्छा हमने टिकट ले ली पहले ही, आधा घंटा पहले ही, तो हमें भूख लगी हुई थी, हमने कहा बाहर जाते हैं, तो हम लोग बर्गर वर्गर खाने चले गए. अंदर गए तो 5 मिनट हम लोग लेट थे, फिल्म शुरू हो चुकी थी. कहते यू आर नॉट अलाउड. मैं कहा टिकट है हमारे पास, पैसे लिए. कहता कट आउट. मेरी थोड़ी सी बेइज्जती हुई, मैंने इधर देखा कोई इंडियन तो नहीं मेरे को देख रहा. मैं साइड पे आ गया, फिर मैंने मेरा दोस्त है उसको भेजा, उसने गूगल पे कहीं सर्च किया तो रणवीर कपूर की मेरे साथ कोई फोटो थी, बोलता ही इज वन ऑफ द प्रोड्यूसर ऑफ संजू. तो गोरे ने देखी, उसने पहचान लिया कि अच्छा यही है जिसकी भी बेइज्जती हुई. मैंने कहता ओके यू आर द प्रोड्यूसर, दैट्स व्हाई आई एम अलाउइंग यू, अदरवाइज गेट आउट. ऐसे वाला एटीट्यूड था. तो फिर जाके हमने देखी, पर जो आपने किरदार किया कमली का, क्या बात है, क्या बात है. थैंक यू. अच्छा विक्की पाजी बहुत यंग है, बैचलर है, सुपरस्टार हो गया है, तो लड़कियां बहुत पसंद करती हैं. विक्की पा जो काम आप रियल लाइफ में नहीं कर पाते बिकॉज आप एक फिल्म स्टार हो, आप पब्लिक के बीच नहीं जा सकते हो बिकॉज बड़ी सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हमारे शो का ये दस्तूर है कि जो आपकी फैंस हैं हम आपको मिलवाते हैं. तो यहाँ पे कुछ लड़कियां हैं जो आपकी फैंस हैं, उनकी कुछ ख्वाहिशें थी, मैंने कहा हम कोशिश करते हैं पूरी करने की. तो वो कहाँ हैं विक्की की जो फैंस थी, कहाँ बैठी हुई हैं? सारी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, कर लो सारी ख्वाहिशें पूरी करो आज. एक अच्छा ढोकला. प्लीज प्लीज वेलकम. हाउ आर यू गर्ल्स? हाउ आर यू? वेलकम वेलकम वेलकम. चाल में जो ये जो बदलाव आ जाता है ना. हाय वेलकम. हाय हाय वेलकम. हाय बेटा स्कूल नहीं तू? हाय वेलकम. अच्छा हाय. आप सब लोग अपना अपना नाम बताएं. यस, मैं मुंबई में रहती हूँ, बनारस की हूँ. आप मुंबई में बनारस की हैं? हाँ. बनारस शहर इतना खूबसूरत शहर है, इतना प्यारा शहर है. बनारस बहुत अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है. आप इधर आ जाओ फिर. ये बनारस से हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है. और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो शादी वादी की न्यूज आ रही ना, वो मुझे एक मूवी मिली है, उसमें मेरे को दूल्हे का किरदार करना था, तो मैंने बहुत अच्छा किया, इसलिए मीडिया ने बड़ा उठाया, अदरवाइज आई एम बैचलर. कौन सबसे पहले शुरू करना चाहे बनारस वाली? क्या बोलना है? सर की बहुत बड़ी फैन हूँ, तो मेरी गोद में वो सर रख के सोए और आप एक लोरी गाए. ये ख्वाहिश बड़ी मतलब मजेदार सी है आपकी. ये बहुत ही डिटेल्ड ख्वाहिश है कि आप गोद में सोएंगे, आप गाना गाएंगे. बैठ जाओ फिर, आ जाओ आ जाओ. ये सब यही होता है, हम बहुत मजा करता है. पाजी एंजॉय.
आप तो आप लग रहे हो हाँ जी पूरी महाराजा वाला फील लो ये लो अंगूर भी खिलाओ अंगूर खिलाओ इनको आ जाओ बेटा फिल्म भी रिलीज है अपनी आ जाओ सो स्वीट थैंक यू सो मच थैंक यू ये बहुत ही प्यारी रिक्वेस्ट थी ये जरूरत थी थोड़ी देर आगे बंद करने की बाकी से भी रिपीट करवाना सेम हाँ जी हाँ ये अच्छा था विक्की भाई मैं बात पूछनी ऐसे जैसे है तो मेरे जैसा ही भाई मेरा देसी आदमी है पर ये किसी की लड़की को इतने कॉन्फिडेंस के साथ पकड़ना ये कॉन्फिडेंस कैसे आता भाजी मेरे को बताओ अच्छा मैंने एक फिल्म करी थी जिसमें चार बीवियां थी मेरे से पकड़ा ही ना जाए उनको हम लोग रिहर्सल करेंगे एक बार में थैंक यू आपने बहुत अच्छा डांस किया थैंक यू आइए आपको बेटा चॉकलेट चाहिए क्या चाहिए आपकी क्या ख्वाहिश है हाँ जी विक्की सर गिव मी अ हेड मसाज हेड मसाज बेटा तू सच्ची में फैन है कि वैसे तेरा दिल कर रहा है मसाज करने का फैन भी और मेरा दिल भी कर रहा है क्योंकि मेरी मम्मा नहीं करती कर दो भाजी बच्ची भाई आ जाओ बेटा आ जाओ घर ही है कैमरे ने बंद कर दो आ जाओ बेटा यहां आइए नेल्स वेल्स कुछ हाथ का कैसे कैसे नहीं नहीं आप यहां बैठिए तेल के साथ करानी है ऑयल अच्छा नारियल पानी के साथ हां नारियल आपकी क्या ख्वाहिश है मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है हां जी कि मुझे नारियल पानी पीना है तो पीजिए फिर पर हम एक ही नारियल शेयर करें नारियल पानी लेके आओ एक पाइप और डाल दो मैं भी चूस लूंगा थोड़ा नारियल पानी लाइए कौन सा वाला मांगता है हरा वाला पीला वाला मांगता है पाजी केड़ा पाजी जरा मर्जी डू यू वांट मी टू सिंग एनी रोमांटिक नंबर पाजी हो जाए हैं वो इसने कौन सा पिया था पीला वाला भाइयों का रोमांस ये ले लीजिए सर आपकी क्या ख्वाहिश है मेरी सबसे अनोखी है हाँ जी सर आप मुझे छोड़ दो छोड़ दो आप मुझे वहां तक गोदी में उठा के छोड़ दो ये अलाउड है बताओ वो बड़े खुशी खुशी बोल रहे हैं यस वो ना लौंडे क्या करते हैं अभी तुम उठाओगे ना गोदी में तो ये इमेजिन करेंगे कि हम मजा ले रहे हैं मेरे को पता है लड़कों की सोच मैं अच्छी तरह समझता हूँ मेरी तो हो गई शादी बाकी मैंने किसी को करने नहीं देनी है हरकतें आई वाज जस्ट जोकिंग आई एम नॉट मैरिड पाजी छोड़ा प्लीज आप देख लो हमें कैसे मतलब ऐसे कि पाजी 2.5 किलो की लड़की ऐसे उठा लो हाँ जी Please, please take your seat. Thank you so much. Bye. Thank you. So, अब वक्त है उन्हें यहाँ invite करने का, जो उरी में विक्की के साथ बहुत ही अहम किरदार में नजर आ चुकी हैं, जिन्होंने देख ली है। तो please welcome Yami Gautam. हाथ में कंगन गाने वाली दे ताली रे, चल छबीले में मत वाली दे ताली रे, हाथ में कंगन गाने वाली दे ताली रे, चल छबीले में मत वाली दे ताली रे से पहले कि मैं कुछ पूछूं मुझे पता ही वहां से एक शेर आने वाला है हां जी पाजी मस्ताना आलम और मौसम हसीन हो गया आय हाय
कत्ल हुआ निगाहों से और मामला संगीन हो गया। हाय हाय। ओ वाह। हाय हाय। पुराने लैंडलाइन की तरह बज रहा था ये दिल का टेलीफोन, आपको देखकर नई टच स्क्रीन हो गया। पाजी मैं आपका फैन तो शुरू से हूं, पर मैं आज दोबारा हो गया हूं। हमारे टाइम पे वो परिंदे उड़ रहे हैं पंखों वाले, ये बड़ा टच स्क्रीन निकला आपका। इतनी जल्दी आप, मतलब मूड आपका इतनी जल्दी चेंज होता है, कमाल हो गया। सो फ्लर्ट मिस्टर शेरी। यामी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं। थैंक यू। ये फिल्म जो है सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में है, तो पहला सवाल जो यामी को देख के मन में आता है कि इतनी खूबसूरत कमसिन लड़की इस फिल्म में क्या कर रही है, इस बात का जवाब आप बाद में देना, पहले ये बताओ मेरी शादी में क्यों नहीं आई? इस फिल्म की वजह से नहीं आई, हम लोग प्रमोट कर रहे थे कपिल, पर मेरी दुआएं, मेरा प्यार, मेरा सब कुछ आपके साथ। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। बहुत बिजी, क्योंकि फिल्म जब रिलीज होती है 50 इंटरव्यू 150 इंटरव्यू लाइनअप होते हैं, बट वी मिस यू यामी। वन मोर पार्टी बोलो तुम, शो शुरू हो गया, पैसे आ रहे हैं। पर पाजी मुझे पूछना है, मैं तो इनके साथ ही प्रमोट कर रहा था। ओहो एक सेकंड, मैंने ना अपनी सर्जिकल स्ट्राइक कर दे रही। हाँ नहीं नहीं पाजी, अब जवाब दो कि तुम लेट आए। एक्स्ट्रा कौन, बंदूक लेके खुद गई थी सर्जिकल स्ट्राइक करने? वो बंदा था, अभी जवाब दो पहले। नहीं नहीं, इसका जवाब ये है कि मैं थोड़ा एक्स्ट्रा काम कर रही थी, और इसीलिए कर रही थी कि दोनों में से एक ही आने का ऑप्शन था, या तो विक्की आता या मैं आती। पाजी इन्होंने इंटेलिजेंस ऑफिसर का रोल निभा रही है, ये पूरा अपना पूरा बिछा के आई है प्लानिंग, जवाबी हमला पूरा तैयार है आपके। एक्चुअली यामी मुझे एक बात पूछनी है कि जैसे उरी में तो ये बताया गया कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ जाके, टेररिस्ट के साथ लड़ाई हो रही है, आप जितनी खूबसूरत हैं सही सी बताना, कॉलेज में लड़के लड़ पड़ते होंगे वैसे? हो अजय पंजाब यूनिवर्सिटी से, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, वहां लड़के नहीं लड़ेंगे तो फिर कहां लड़ेंगे? जो बुलेट पे जो आते हैं लड़के, बुलेट we used to call them just balle balle boys. अच्छा मेन खूबसूरत लड़कियां उधर पढ़ती हैं, हमें पता ही नहीं, हमारे साथ और ही रेखा सुषमा पता नहीं कौन पढ़ गई। ऊपर से हम भी वैसे थे, हमारी क्लास में जाने का दिल ही नहीं करता था। तू आ रहा है हिस्ट्री क्लास में? कहा हट। मैं नहीं आ रहा। पर इतनी खूबसूरत लड़कियां, मतलब आई मिस्ड पंजाब यूनिवर्सिटी। पंजाब यूनिवर्सिटी ऑल्सो मिस्ड यू कपिल। मुझे शादी भी हुई ना, मैं वही बता रहा था, मैं कहा वो ऐसे ही फंक्शन किया था हमने, अभी हुई नहीं है। यार ये बड़ा काम खराब हो गया भाजी, मेरा तो काम धंधा ही बंद हो गया, मैं तो। यामी पहले तो बताइए कि आपका फिल्म में किरदार क्या है? जी मैं फिल्म में एक इंटेलिजेंस ऑफिसर का किरदार निभा रही हूँ, और जो एक इम्पॉर्टेंट अहम हिस्सा है इस पूरे ऑपरेशन का। और इंटेलिजेंस ऑफिसर्स होते हैं उनके बारे में ये होता है सबसे इम्पोर्टेंट कि बातें कम काम ज़्यादा। आप बोले भी ना, स्क्रीन पे दिख रही है तो मज़ा तो आ ही रहा है। अच्छा वैसे रियल लाइफ में कभी जासूसी की कभी कॉलेज टाइम? वही बात पे आता हूँ, जैसे होता नहीं कि फलाना लड़का मेरे पे। अच्छा लड़कियों को सब पता होता है? हाँ पता तो ये सब मैंने बोला ऐसे कि लड़कियों को पता नहीं होता, पर सच्चाई ये है कि आप अगर किसी लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो या लाइन मारते हो, सबसे पहले लड़की को पता चलता है। आपको पता था? पता था। टोटल कितने थे? बुल्ट वाले 10। ओ तेरी। वूफर वाले शायद 7। अच्छा। विक्की। हाँ जी। कुछ आपको फोटोग्राफ्स दिखानी है हमने, जरा दिखाना जरा यहाँ पे। ये भाई साहब की ऑडिशन की, ये कब की पिक्चर है विक्की? ये 10 जुलाई 2012। यार आपके पापा श्याम कौशल इतने बड़े एक्शन डायरेक्टर, आपको भी ऑडिशन देने पड़ते हैं? हाँ जी बिल्कुल देने पड़ते हैं। अच्छा हाँ जी। और भी एक पिक्चर ना? आला ये क्या बने हुए हो? ये कब की पिक्चर है? ये मैं जीसस क्राइस्ट बना हुआ। अच्छा जीसस बने हुए हो? जीसस बना हुआ था, पता नहीं क्या ये ऐसी। पाजी आपने पूछा था ना एक्टिंग का कब ख्याल आया, ये शायद तब से ही अंदर था। अंदर तो था एक्चुअली, तो ये कुछ ये करता रहता था, मैं कभी साधु बन जाता था कभी जीसस क्राइस्ट बन जाता था। वो एक ऑडिशन भी देने गए थे जहाँ पेंट उतर गई थी, कहाँ डांस करने वाला, वो क्या हुआ था? तीसरी में या चौथी में था पता नहीं, स्कूल में परफॉर्म कर रहे थे और सबने ना बेल्ट लगाई हुई थी लड़कों ने। अच्छा मुझे बेल्ट नहीं मिली, भूल गया, तो स्कार्फ था। अच्छा कि स्कार्फ भी लगाना तो कूल लगेंगे हम। अच्छा स्कार्फ लगा के लटका ली, अब डांस चल रहा है बहुत जोश में कर रहा हूँ और बीच में स्कार्फ खुल गई। अच्छा स्कार्फ खुल गई तो पैंट लगने लग गई,
मेन शो शुरू हो गया होगा. हाँ तो वही वो मीना बाजार दिल्ली का पता नहीं मेरा बाजार पूरा दिख गया था. अच्छा पाजी वो बड़े मजेदार चीजें होती बचपन की. अभी तो आपको हंसी आ रही होगी सोच के कि यार ऐसा हुआ था. पर वैसे इमेजिन करो कि आज भी आप बच्चे और पेंट उतर गई है. अरे नहीं पाजी. और गाना मुझे आइए प्लीज प्लीज आप बैठ के बातें करते. सोफा भी नया लिया. आइए बहुत बहुत स्वागत है आपका. कान खोल के मेरी बात सुन लो. ज्यादा तुम इस मोहल्ले में रहोगे जहां मैं. तो निकल फिर. गेस्ट आए हुए हैं. अच्छा गेस्ट मेरे यहाँ आते खुशी हो जाता है कि जब जाएंगे ना तो थोड़े बड़े बिस्कुट मजे मिल जाएंगे हमें खाने को. पाजी इतिहास गवाह है. सैकड़ों सेलिब्रिटीज इधर आ गए हैं. इन्होंने मजाल है किसी को बिस्किट का बी भी दिया हो. प्लीज ये देख लाल अंगूर. बजट इस बार ज्यादा है. क्या लाल अंगूर है? इम्पोर्टेड इम्पोर्टेड अंगूर. तुझे क्या पता है सड़क से नाशपाती खाने वाले आदमी. भाजी केले के दो केले मेन केले भी बच्चे उनके बच्चे भी ये देख फ्रूट देख अंगूर बड़े बड़े सड़ रहे कोई खान रहा है. इतना बजट चढ़ा बकवास की तो ये ले केला और निकल. बकवास नहीं करनी मेरे साथ. केले का बच्चा मेरे को दे दिया बताओ. यार मेरे को और मिलना प्लीज. केले होते हैं बेवकूफ मिनिएचर महंगे होते हैं ये. अच्छा अच्छा मिनिएचर नहीं होते ये. रख इधर खाना नहीं. एक मेरे को मिलने दो यार. हेलो विक्की सर जी कैसे हैं? बहुत बढ़िया. हेलो यमी मैम. हेलो जी. दिस इज चंदू. हेलो चांस. चांस पूरा इंट्रोडक्शन दे पूरा कि माय सेल्फ चंदू लिविंग ऑन फुटपाथ ब्रिज के नीचे गंदे नाले के पास को पूरा बताना. वो गंदा नाला नहीं है वो लेक है. लेक वो अलग बात है. उधर लिफाफे वफाफे पड़े हैं पानी थोड़ा काला हो गया है. सुअर उअर घूम रहे हैं. और मैं किधर भी रहूं आपको क्या मतलब है? मैं कम से कम लोगों के पैसे तो नहीं ना मारता. विक्की बाजी मेरा 8 लाख रुपए मार लिया इसने और डकार तक नहीं ले रही है. क्या एक काम कर तू सुबह आना 8 बजे. शुक्र है मेरे पैसे दे देंगे आप. नहीं डकार लूंगा मैं कल. बदतमीज आदमी. मेरे को मेरे पैसे चाहिए 8 लाख रुपए विद इंटरेस्ट. ये तेरे को बताया किसने इंटरेस्ट के बारे में? कैसे होता है क्या ये? अरे बैंक से लोन ले लेंगे आप. मैडम कहती ऐसे ऐसे लोन है और आपको इतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा. कहते मैं तो ले रहा हूँ आप ही नहीं ले रही मेरे में इंटरेस्ट. ये बंदा है. उसने मुंह पे फिर दिए इसके लोन. इसकी छाती पे मुक्का मारा रिंग डाल के उसने. कम्युनिकेशन गैप था. यमी जी मैं आपको बता दूं ये जो प्राणी है ये वाला अगर आपके साथ फ्लर्ट करे तो आपने बिल्कुल इंप्रेस नहीं होना. अच्छा. क्योंकि जो बंदा गरीब इंसानों के पैसे मारता हो वो कभी अच्छा इंसान नहीं हो सकता. अच्छा तो तू बड़ा अच्छा, अच्छा है. कुत्तों के बिस्कुट छीनने के लिए उनकी पूछ पे काट देता ये. ये बड़ा अच्छा इंसान है. लाता भी तो मैं आपके लिए हूँ बिस्कुट. पाजी मुझे कहते हैं नहीं नहीं खाली चाय पीता हूँ मेरे को एसिडिटी हो रही है मेरे को बिस्किट लाकर दिया कर. खैर मैं विक्की सर मैंने ना आपसे इंस्पिरेशन लेनी है. हाँ जी दसो. पाजी मत देना आज ये इंस्पिरेशन मांग रहा है. 2 दिन बाद ये आपके पुराने कपड़े मांगेगा. धीरे धीरे ना मेन डायलॉग पे आएगा. पाजी खाया कुछ नहीं 10 दिन हो गए. पैसे मांगेगा फिर ये काम ही. यही पाजी यही फर्क है विक्की जी यहाँ से. तो भाई यही फर्क है दोस्त दोस्त में. ये भी दोस्त है संजू फिल्म इन्होंने की है. दोस्त को कैसे मोटिवेट किया है? आपने मेरे को कभी मोटिवेट किया है? मैंने तुझे कहा नहीं मोटिवेट किया. क्या मैंने इस सिग्नल पे नहीं उधर जाया कर उधर कमाई ज्यादा है. ये बंदा पाजी मैंने पहला बंदा देखा. अच्छा शो में तो चलो हम हंसी मजाक करते रहते हैं. वैसे गाड़ी भी है इसके पास. अरे वाह. सिग्नल पे गया तो रेड सिग्नल था. अपनी गाड़ी से उतरा बगल वाली गाड़ी ने कपड़ा मारने लग गया. 30 सेकंड में 14 गाड़ियां साफ कर दी इसने. बड़े डाउन टू अर्थ. मोटिवेट किया क्या आपने मेरे को ये बताओ. शट अप. खैर मेरी बात सुनो. गाड़ी वाड़ी का कपड़ा वपड़ा तो चलो हमने छोड़ दिया क्योंकि छोड़ आए हम वो गलियां. पाजी मैं बताना चाहूंगा 2 शब्द कहना चाहूंगा अपने दोस्त के बारे में. यार छोड़ नहीं आया इसको निकाला गया गांव में से.
अच्छा पाजी आप तो पंजाब से हो, आपने वो काले कच्चे वाले सुने थे? हाँ सुने थे। काले कच्चे पहन के ना घरों में चोरियां होती थी, तेल लगा के। इन्हीं की कंपनी है वो। ये बंदा पाजी मैं सुनाता हूँ, इसने पूरी बॉडी पे तेल लगा लिया, इतना कच्चा पहन लिया काले रंग का। तो ये दीवारें फांद के चोरियां करता था, पकड़ में आता नहीं था क्योंकि हाथ पकड़ता तो निकल जाता था। एक दिन किसी के हाथ में इसका कच्चा आ गया, ये स्लिप हो गया उसमें से भी। अच्छा फिर पूरी बॉडी पे तेल था, जहां जहां कच्चा था वहां वहां तेल नहीं था। बाकी आप समझदार हो। अच्छा पाजी मैं कौन सा कच्चा पहनता हूँ, मैं साबुन मलता हूँ, जाग होती कि नहीं होती, मेरी बॉडी पे कहाँ तेल लगता है कहाँ तेल नहीं लगता है, और आप मेरे दोस्तों के मेरी दाई मम्मा हो। पाजी दाई मम्मा एक साल फ्री रहे बंदा, एक मिनट रुको, दाई मम्मा होती नहीं है, रुको, एक साल दाई मम्मा तूने सिखाया? दाई मम्मा एक साल फ्री रहा ये बंदा, और अब सभी को बता रहा है कि मैं फ्री था या एक कौन से काम कर रहा था मैं। अच्छा सारी बातें बाद में, दाई मम्मा तुम्हारे कहाँ होती हैं बे? तो खुद ही पैदा पैदा करके छोड़ देते, चलो निकलो खेलो वालो। दाई मम्मा कौन सी, ये वर्ड कहाँ से सीखा तूने? ये तो जूस पीने गया था ना, वन पाइन एप्पल कहते, वो तो बात की बात, तुझे पाइन एप्पल बताया किसने? दाई मम्मा मेरे को बता, मेरे को पहले ब्रीफ कर, दाई मम्मा तेरे मुंह से सूट ही नहीं करता। मेरी बात सुनो, आप जो मेरे को दाई मम्मा पे आते, आपने मुझे चोर कह दिया, मेरा स्टैंडर्ड डाउन कर दिया आपने। आपको पता है क्या, रॉबिन हुड था मैं गांव का। विक्की पाजी, हाँ जी, आई वाज रॉबिन हुड। ओके, उधर मैं अमीरों से पैसे लूटता था, गरीबों के घर में रख देता था। गांव का सबसे गरीब तो तू ही था। किसके घर में रखता था पैसे? ये बंदा इतना कमीना है ना, ये किसी के घर में चिकन बन रहा हो ना तो उनकी नाली के पास खड़ा हो जाता, कहता हड्डियां तो इधर से निकलेंगी ना। तू आता हर बार आता है, मेरे को कुछ ना कुछ बोल के चला जाता, आज सारी शाम आज इधर ही हूं, आज बोल। मैं शादी हो चुकी, मुझे डर किसी का है नहीं सिवाय बीवी के, तू आज आज इधर ही है, चल। मैं नाली ब्लॉक कर लेता। दाई मम्मा कहां से आई? दाई मम्मा तुम्हारे तो पता है, ये जब पैदा हुआ है, ओ यार उस स्क्रिप्ट पर कर लो, स्क्रिप्ट को छोड़ दो। विक्की पता क्या हुआ, जब ये पैदा हुआ ना ये, तो लेके आई वो दाई मम्मा, दाई मम्मा, दाई मम्मा लेके आई, तो इसकी मम्मी ने शगुन निकाल ला देने के लिए, वो कहती नहीं नहीं रखो इधर, इसका क्या लेना, कहती। अब कर रहे हैं ये बड़ा तू कर रहा बैठ के। दाई मम्मा मेरे को पहले बताएगा तू तभी जाएगा। दाई मम्मा कहाँ से वर्ड आया तेरे दिमाग में? मुझे ना ये सब सुन के ना चंदन की एंट्री याद आ रही है, बड़े जोश में एंटर किया था। नहीं बड़ा जोश में नहीं, इसकी सोच देख लो ना खुद ही, पितर को अच्छे कपड़े पहने, ये क्यों रखा तूने? ये मेरा आई कार्ड है। चाय की टपरी तो मैंने बेच दी, शुक्र है ये नहीं बेचा मैंने, नहीं तो लोगों ने पहचानना नहीं था। आपकी इन्हीं बातों की वजह से ना मैं बड़ा आदमी नहीं बन पाया आपको पता है, लेकिन मैंने अभी डिसाइड कर लिया है, मैंने सेलिब्रिटी बन जाना है, और जैसे बड़े बड़े लोगों की आप इंटरव्यू लेते हैं, आप एक ना एक दिन मेरी भी इंटरव्यू लेंगे आप। ठीक है कपिल, हो जाए आज। नहीं नहीं रहने दो, इसकी बात पे गौर ही मत, इग्नोर कर दिया करो। नहीं 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 कोई बात नहीं, ऐसे मान लेते हैं कि चांस आप उरी का हिस्सा हैं। हाँ अब आज ही कर लेंगे काम। उरी में क्या है, इसने तोप का रोल करना, मुंह देखो। आज ही सेलिब्रिटी बन जाओ आप, ये ले लो, हमारे फिल्म टीम से ही है, आज ही इंटरव्यू कर लो आप इनका। तो जोरदार तालियां स्वागत कीजिए, इधर दफा मरो, इधर बैठो, आइए, ये हमारे बीच में अनवांटेड गेस्ट हैं, आइए बैठिए। तो पहले परना उतार, अभी मैं सेल परना उतार, नीचे फेंक, आदतें नहीं जानी, बैठो। बगल में तेरी पसीना इतना आया हुआ है ना, थोड़ा डीओ लगा ले कुछ। पाजी इसका ध्यान कभी भी अच्छी जगह पे नहीं जाता।
पसीना मैं दिख रहा है मेरे को तो तेल कहाँ लगा है तेल कहाँ नहीं लगा है और मैं इसको क्या दाई मम्मा जैसी बातें तो करता है ये सेलिब्रिटीज को बनना है इधर देख कितने खूबसूरत कितनी खुशबू आ रही है पूरा ही पैच पूरा ही दिख रहा है चलो आज हमारे चंदू जी गेस्ट हैं इनके लिए जोरदार तालियां तो इंटरव्यू शुरू करते हैं तो विक्की से मैं शुरुआत करता तू नहीं चुप विक्की आपको अगर मौका मिले तो आप बॉलीवुड की किस एक्ट्रेस के साथ डेट पे जाना चाहेंगे यस ओ यार फ्रेंड्स डिस्टर्ब नहीं करना बीच में सेलिब्रिटीज फ्रेंड्स होते हैं तो आप बॉलीवुड की किस एक्ट्रेस के साथ डेट पे जाना पसंद करेंगे विक्की मैं यामी के साथ डेट पे जाना चाहूंगा अच्छी बात है दूसरा सवाल मेरा यामी से यामी आपको अगर डेट पे जाने का मौका मिले तो yeah, यामी प्लीज डोंट टेल माय नेम माय गॉड जस्ट इग्नोर हिम आप किस एक्टर के साथ जाना पसंद करेंगी डेट पे मैं भी विक्की के साथ जाना पसंद करूंगा वेरी नाइस केमिस्ट्री तो तीसरा सवाल मेरा मिस्टर चंदू से जी जी आपकी जो जांग पे बाल तोड़ हुआ था वो ठीक हो गया चांस आपके जो घुटने पे इधर फोड़ा हुआ था वो ठीक है जो टेटनस के टीके का इंजेक्शन का निशान था वो ठीक है उधर रोमांटिक बातें डेट्स की बातें मेरी जांग पे जो बाल तोड़ हुआ था उधर ही जाता था आपका तेरे पे सूट ही कर रहा मैं क्या करूं तेरे सूट नहीं करता आपकी फिल्म कब आ रही तेरी आई है कोई यार सपोज किया है मैं सेलिब्रिटी हूँ अच्छा फिल्म इनकी आ रही है इनको पसीना ही आता फिल्म नहीं आती कोई यार चलो कुछ आ ही रहा है कुछ जा थोड़ी रहा है चलो चलो आप सीरियसली बातें करते बिल्कुल वैसे सवाल पूछने मेरे से भी जैसे सेलिब्रिटी से पूछते हैं जैसे ठीक है हाँ दूसरे अच्छा यामी मैंने एक चीज पूछनी थी मुझे बहुत सारी सेलिब्रिटी यार अकोमोडेट में अच्छा यामी एक बात मैं सीरियसली है जी क्या 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 बोल रहा है सेलिब्रिटी यार अकोमोडेट मी यामी सब लड़कियां का सवाल था कि यामी जब आए तो उनका चेहरा जो है इतना ग्लो करता है जी तो उनका सवाल ये था कि क्या हीरोइन वगैरह चाय पीती हैं अरे ये हीरोइन तो बहुत पीती है मैं तो बहुत पीती हूं पीती है आप भी पीते हो हाँ जी अदरक चलो ले गया तेरी इंटरव्यू हो रही है जब उन्होंने कहा मैं पी लेती हूँ तो लेके आना चाय मैं नहीं करनी यार मैं बात तो सुना जाए यार आप चाहते नहीं हो कि मैं बड़ा आदमी बन जाऊं मेरे से कोई एक्टर वाली फीलिंग आए सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आए चाय अदरक वाली लाना चल ठीक है चल पजीवन सीरियसली मेरा भाई दोस्त है मेरा यार मैं सीरियस इंटरव्यू लेता हूँ सीरियस तू खुद बैठना सीरियस बदतमीज जैसे और तू भी बैठना सेलिब्रिटी की तरह से और एक तो ये पसीने वाली ऐसे अंदर कर डायपर रख लूं इधर मैं ऐसे करके बैठना बेवकूफ ये देख इतने खूबसूरत लग रहे तुम तो हाँ नहीं मेरी ये नजर आ जाएगी आ जा। तेरे को सीरियस सवाल पूछता हूँ चंदू आज हमारे गेस्ट हैं चंदू जी या आपको अगर यामी को डेट पे लेके जाना हो तो आप कहाँ लेके जाएंगे मैं इधर शिंदे बार एंड अनी रेस्टोरेंट ये कहाँ पे है नालस पर वहां ले जाके खिलाएगा यामी को कुछ मेरा पास वहां तक बना ना आगे टिकट लगती है अब आप देख लो मैंने बहुत सीरियस सवाल पूछना इसने बदतमीजी की आगे जी बदतमीजी वाली कौन सी बात है मैं तो फैक्ट बता रहा हूँ जो मेरे पल्ले है सच बोला है तू नालस पर लेके जाएगा तू गिफ्ट देने होते हैं लड़कियों को अगर लेके जाओ अच्छा खाना खिलाओ कुछ क्या खिलाएगा तू मेरा तो व्रत है जो इनको पसंद है जो मंगवा लेंगे10% के हिसाब से साल का कितना इंटरेस्ट बनता है ये तू मुझे अगर बता देगा तो मैं तुझे दे दूंगा ठीक है दस हजार रुपया महीने की जॉब ही ठीक है मुझे कोई बात नहीं बाकी चीजें बाद में दे दूंगा सेलिब्रिटीज
चंदन के लिए जोरदार तालियां है मेरा भाई. तो आपके फैंस यहाँ पे हैं, आप लोग जो भी यामी से विक्की से बात करना चाहते हैं आप लोग पूछ सकते हैं. हाँ जी, सवाल पूछना है? हाँ तो हाथ तो ऐसे जैसे सेंचुरी मार के आए. माइक दे दीजिए इनको. नमस्ते कपिल जी. ये स्टाइल है कि वैसे हवा से खराब हुए हैं? हाँ जी, नमस्ते जी, कैसे हैं आप? मैं यामी जी का बहुत बड़ा फैन हूँ. मैंने इनकी कई मूवियाँ देखी हैं. तो मूवियाँ देखी हैं? हाँ, सारी मूवियाँ. विक्की डोनर. अच्छा, विक्की डोनर, बहुत खूबसूरत फिल्म थी. आपने नाम नहीं बताया यार अपना. सुमित. सुमित, हाँ. आप क्या पूछना चाहते हैं? वैसे मैंने सुना है कि यामी जी ने कहीं से एक्टिंग नहीं सीखी है. अच्छा. तो मैंने थिएटर किया हुआ है. अच्छा, तो मैं इनको थोड़ी सी एक्टिंग सिखाना चाहता हूँ. आप सिखाना चाहते हैं? अच्छा. यामी, एक्चुअली आपने किसी फिल्म इंस्टीट्यूट ऐसा कुछ ज्वाइन नहीं किया ना? जी, मैंने कोई थिएटर नहीं किया, मैंने कोई इंस्टीट्यूट नहीं किया. एक्चुअली बट पहुंच भी गए. आइए सुमित जी. अच्छा, अभी बातों बातों में मुझे तो लगा, अच्छा मुझे लगा भूल गए. हां जी, तो सुमित जी हमारे साथ हैं, ये एक्टिंग सिखाएंगे यामी को. जी जी जी. हां जी, तो क्या करके दिखा रहे हैं आप? मैं इनको एक्सप्रेशन करके सिखाऊंगा. अच्छा जी. हाँ, गिरी हुई चीजों को कैसे उठाते हैं. अच्छा, मान लो कि ये 5 का सिक्का गिरा हुआ है. हाँ जी. पर मैं रोड पे से चल के आ रहा हूँ, तो क्या होगा? अच्छा, सिक्का ही उठा रहे हो. एक्सप्रेशन तुम्हारे कब्ज कब्ज वाले हैं ये. पहली बात तो यामी रोड पे चल के आएगी क्यों भाई? और 5 का सिक्का पड़ा होगा, उठाएगी भी क्यों? और हाई हील में कैसे ऐसे करेगी? हाई हील, हील पहन के आओ. हाँ. So, यामी ने हील पहनी हुई, तुम भी हील पहन के आओ अभी. हाँ, अभी ऐसे चल के आओ. चलते चलते फिल्म सिटी से बाहर निकल जाओ. पर नहीं यार, थैंक यू, सो स्वीट ऑफ यू. और कोई अगला ये है कि जैसे कि किसी बंदे को 3 दिन से खाना नहीं मिला तो वो कैसे एक्सप्रेशन देगा? ये सारे तुम ना सड़क से पैसे उठाने खाने. अच्छा, तो 3 दिन से खाना नहीं खाया. एक्सप्रेशन दिखाओ. एक्सप्रेशन ये है. हाँ, अरे फिर ये तो उल्टी वाला एक्सप्रेशन है. फिर से कब्ज हो गई? फिर से. अरे ये क्या हुआ? हंस भी दिए. कंसिस्टेंट है, कब्ज नहीं छोड़ रहा साथ में. टोटल कितनी एक्टिंग आती है आपको? 3 एक्टिंग. ओके, अगला ये है कि क्या कहते हैं कि कोई अगर चाय पी रहा है तो उसमें एक बिस्कुट अगर डिप करता है तो सडनली बिस्कुट टूट के उसमें गिर जाता है. हाँ, तो वो कैसे रिएक्शन देगा? चाय हाथ में पी रहा है. मग पकड़ो ना ऐसे वाला. हाँ, बिस्किट बिस्किट है. बिस्किट बिस्किट टूट गया. हाँ, ये टूटा नहीं, ये लगता है चाय तुम्हारी ना अंदर छाती पे गिर गई है. अंदर टूट गया. सो स्वीट यार, थैंक यू. Love you, brother. Thank you so much. और कोई मेरे दोस्त? जी मैम, सूट आपने बड़ा प्यारा पहना हुआ है, मेरे को बताना कहाँ से लिया है, मैं अपनी मम्मी को भी लेके दूंगा. How sweet. और ये नेक पीस तो चाहे आप मुझे दे ही जाओ. हेलो सिद्धू सर, क्या है? हेलो कपिल जी. नमस्कार मैम. हेलो यामी मैम. नमस्ते. हेलो विकी सर. हेलो विकी सर, मैंने आपकी संजू फिल्म देखी. हाँ जी. उसमें आपका कमली का किरदार जो है मुझे बहुत पसंद आया. थैंक यू. मैं आपके लिए अहमदाबाद से, अहमदाबाद की स्पेशलिटी आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ. अरे वाह, जो मैं अपने हाथों से आपको खिलाना चाहती हूँ. प्लीज प्लीज, आजो जी, आजो आजो आजो, प्लीज आइए. क्या मैम, उसमें मिठाई कौन सी वाली? फाफड़ा है. फाफड़ा है, जलेबी है. वहाँ के लोग रोज सुबह नाश्ते में इसी से शुरुआत करते हैं. आप थकते नहीं? सारी उम्र फाफड़ा ही खाते रहते हो. अभी इसमें फाफड़ा है और क्या है? जलेबी. जलेबी. मेरे को देखना है फाफड़ा होता कैसा है. ये है फाफड़ा. इसके लिए पागल हुए बड़े सारे. टेस्टी है भाजी. थैंक यू मैम. थैंक यू. ऐसे मेरी सास ने खिलाया था मुझे जैसे आप खिला रही हैं. मैं जलेबी नहीं खानी, मैं ये खाना. मैं पहले वजन नहीं कम हो रहा मेरा तो. यामी को जलेबी बहुत पसंद है. जलेबी खिलाई है. जलेबी खिलाई है, बहुत पसंद है उनको. खिलाओ खिलाओ खिलाओ. वेरी नाइस. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम. शुक्रिया. थैंक यू सो मच मैम. अभी हमने खाया है तो पचाना तो पड़ेगा. कैसे पचाए? थोड़ा सा गरबा कर लेंगे. आओ, मेरी फ्रेंड आई है मेरे साथ.
हां जी उनके साथ मैं घर बार करना चाहती हूं आइए आइए हाथ में कंगन गान में वाली दे ताली रे चल चमेले में मत वाली दे ताली रे हाथ में कंगन गान में वाली दे ताली रे चल चमेले में मत वाली दे ताली रे घुरा ना मिल जाऊं बाबरो रंगीला भरा घाघरा रंगीला भरा घाघरा हां घुरा ना मिल जाऊं बाबरो रंगीला भरा घाघरा रंगीला भरा घाघरा मंगा सोनिया मैं तेरी दुआ ना कोई और मंगदी नित गैर मंगा सोनिया मैं तेरी दुआ ना कोई और मंगदी तेरे पैर बच्चा तू गलत मार्च कर रहा है ये आप गलत बात कर रहे हैं हम जनवरी के महीने में मार्च क्यों करेंगे अबे पागल जो तू कर रहा है उसे मार्च कहते हैं अच्छा तो यार फरवरी किसे कहते हैं यार कप्पू शर्मा आप अपना अप्रैल मई देखिए हमें अपने 2 जून की रोटी कमाने दीजिए यार ए यार ओ यो कैसे हैं विक्की जी कैसे हैं नमस्ते मैं जी कैसे हैं अरे विक्की जी उम्मीद करते हैं कि आपके घर में सब कौशल मंगल है ये देखिए कैसे इनके सरनेम के अंदर भी अपना जोक फिट कर दिया ये हमारा यार टैलेंट हम किसी भी चीज में ना फिट कर लेते हैं जोक में नहीं मुंह में भी सब कुछ फिट कर लेता है पता है यहाँ पे 3 गद्दियां और थी ये खा गया तक ये तीनों ही कपूर शर्मा अपना वो कौन सा यार वो शत्रुघ्न सिन्हा जी का एक फेवरेट वो ऐसा ऐसे करके एक शब्द बोलते हैं क्या खामोश आ तो रहिए ना यार सर फालतू का टोका टोकी करते रहते हैं ऐसे वैसे मैडम जी आप कैसी हैं मैं बिल्कुल अच्छी नहीं नहीं वो तो ठीक है आप अच्छी हैं अच्छी बात है लेकिन हम पूछ रहे हैं कि मतलब आप कैसी हैं कि स्वीट हैं कि स्पाइसी हैं कि खट्टी मीठी हैं ये सब ये क्यों होंगी बच्चा क्योंकि ये यम्मी है यार यम्मी होंगी तो टेस्ट तो होगा ना यार वैसे यामी जी ये ऐसी कोई बात इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी हम खाली ये बात कह के आपको हंसाना चाह रहे थे क्योंकि अगर बाय चांस आप सीरियस हो जाती तो कहीं आप यामी गौतम से गौतम गंभीर ना हो जाए यार ऐसा इनबॉर्न टैलेंट पाया हम ऐसा जोक निकलते हैं वैसे यामी जी आपको एक अरे यार दगमगाए कदम चले आए वैसे आपको एक सलाह देना चाहेंगे जी दीजिए आप ना इनके तरह नजदीक बैठिएगा ज्यादा दूर मत बैठिएगा क्यों अच्छा क्योंकि ज्यादा अंतर होगा तो कहीं ये अंतर्यामी ना हो जाए Oh God, यार, I'm on a roll, I'm on a roll. बच्चा, तुझे पिछली बार कहा था जब आएगा तो अपनी गर्दन साथ लेके आना तू लाया नहीं ओके सो यू आर गोइंग देयर ये अजीब अजीब करते करते रहता भाजी पागल हो गया ये परसों खंबे से खड़ा बातें कर रहा था कहता है कुत्ता तुम पे सुसू करता है उसको कुछ कहते क्यों नहीं ये करते हुए आपने हमें देखा हाँ यू सी हाउ मच फालतू टाइम ही है नहीं सर लेकिन कमाल का बात है देखिए आदमी एक एक साल तक फ्री रहता है तो डिफरेंट डिफरेंट चीज करे यार मतलब सिद्धू जी को लीजिए यार
मतलब इनके पास टाइम था, मिनिस्टर बन गए, देश विदेश घूमे. इस आदमी को देखिए यार, पूरा एक साल कुछ नहीं कर रहा था, हमें घूर रहा था. देख रहा था कि हमारा पनीर रंग कैसे बदलता है, हम खंबे से कैसे बातें करते हैं. हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं, इसने डेफिनेटली हमारी भैंसिया के गोबर को लिक्विड से सॉलिड होते हुए भी देखा हो. बच्चा, दिस मैन इज वेरी फ्री, टू मच टाइम इन हैंड यार. बच्चा, तुझे यही बकवास करनी है तो भाग जाए यहाँ से. नहीं नहीं, ऐसे कैसे भाग जाए, क्यों भाग जाए यार. आई डोंट रन, आई डोंट लाइक इट. और यहाँ पे यामी जी बैठी हैं, बातें कहाँ हुई है यामी जी से. यामी जी जी कहिए. आप इतनी ज्यादा खूबसूरत हैं कि हमें डर है कि कहीं हम मैरिड से एक बार फिर सिंगल ना हो जाएं. बच्चा, ये कैसी बातें कर रहा है तू. चाहिए अच्छी नहीं लगी तो डायरेक्ट कर लेते हैं. जस्ट टेल मी, यू लाइक मैरिड मैन. ये क्या फालतू सवाल है. हमें मत बोलिए सर, ये सवाल हमारा है ही नहीं. किसका है? शूटिंग से पहले सिद्धू जी हमें कोने में लेकर गए थे, बोले थे यामी गौतम आएंगी. अरे नहीं नहीं नहीं, अरे तेरी अपनी निकल रहा है. मैंने कहा तुम्हें बोल नहीं सकता पाजी, ऐसा बोल ही नहीं सकते. पाजी तो वैसे शेर का शौक है उनको बोलने का, ऐसी बातें बोलते नहीं वो. अरे तो शेर का शौक है मतलब, खूबसूरत लड़की सामने आती है, हीरोइन आती है, तो इनका शेर निकलता है दिल से. अब दिल में होता है तो निकलता है ना, ऐसे थोड़ी ना कोई निकल जाएगा. सर हमारे दिल में खाली जॉक्स होते हैं तो हमारे जॉक्स निकलते हैं. जॉक्स सुना, जॉक्स सुना. तो ठीक है, दिल्ली में अगर किसी को आगे बढ़ना है तो उसे एक पॉलिटिशियन से लिंक होना जरूरी है, लेकिन मुंबई में अगर आगे बढ़ना है तो कौन सी लिंक जरूरी है? सीलिंग. सीलिंग. बैंड्रा वर्ली सीलिंग. उसके बिना आगे कैसे बढ़ेंगे. ये जॉक जो है हम अपनी आमची मुंबई को डेडिकेट करते हैं, लेकिन कप्पू शर्मा को नहीं करते हैं, क्योंकि ये कभी सीलिंग पे जाते नहीं. टोल का पैसा किधर है आदमी के पास. सर एक और, एक और, एक और. हाँ जी. अगर विकी जी दो लड़कों के साथ कहीं पे खड़े हैं तो हम उन्हें क्या कहेंगे? विकी दो नर. विकी दो नर. एक और, एक और, एक और, एक और. हाँ, विक्की जी की आने वाली नस्लों को हम क्या कहेंगे? क्या? विक्की पीढ़िया. इन्हें तुम्हें याद कर लेना चाहिए. एक और, एक और. ये तो मैं यूज करूंगा. हाँ. एक और देते हैं. कपू शर्मा, आप हमसे कोई भी सवाल पूछे ऐसे जवाब देंगे हम. कोई भी सवाल पूछो. कोई भी. सर्बिया का. हाँ. प्रेसिडेंट कौन है? अभी यहाँ पे आर्मी वाला एक फीलिंग जो आया है ना. अच्छा. तो हम उसको बरकरार रखना चाहेंगे. अच्छा. हम आपसे थोड़ा सीखना चाहते हैं सर. हाँ जी. तो मान लीजिए कि हम विलन है. नहीं, आप जानते हैं कि हम बहुत ज्यादा क्यूट लगते नहीं है विलन टाइप के, लेकिन चलो मान लो हम विलन है. हमने यामी जी को किडनैप करके रखा है. अच्छा. आप हीरो हैं. आप आते हैं. अच्छा. दूर से आते हैं, छिप छिप के आते हैं. यहाँ पर यामी जी हमारे लिए डांस कर रही है. अच्छा. ये एक औपचारिकता है जो एक विलन होता है. तो ऐसा हो रहा है और आप इसे छुप छुप के आते हैं, आप हम पे अटैक करते हैं, आप हमें पकड़ लेते हैं और अपना वो फिल्म का डायलॉग वायलॉग भी आप ऐसे बोल सकते हैं. सो ठीक है. तो देखिए सर, आपको गन का जरूरत होगा. ये आपका गन है. ठीक है. ठीक है. यू हैव टू शूट फ्रॉम दैट. और फिर अगर आपको बाय चांस अगर हैंड ग्रेनेड कुछ लगेंगे. ये लाल रंग का, लाल वाला, ये आपका हैंड ग्रेनेड है. ज्यादा जोर से मत फेंकिएगा, बी काइंड. तो आइए, हमने आपको किडनैप किया हुआ. छोड़ दो मुझे, छोड़ दो. और आप देखिए ना, एक काम करते हैं. समझ लीजिए सिद्धू जी का सीटा वो पहाड़ी है. हाँ, पीछे से शुरू करते हैं. पीछे से आप पहाड़ी से ऐसा छलांग लगा के आते हैं, छुपते छुपाते, और आप आके अटैक करते हैं. चलिए. और कहते हैं हीरोइन को छोड़ दो है? अच्छा. वरना मार दूंगा. आइए. ठीक है, ठीक है. अरे म्यूजिक. आशिक पुकारो, आवारा पुकारो, पागल पुकारो, दीवाना पुकारो. हे आशिक पुकारो, आवारा पुकारो.
हमने की है मोहब्बत तुमसे, हम तो मरते हैं तुम पे कसम से, किसी नाम से तो पुकारो। ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। एक्चुअली सर, इतना ज्यादा भी करने का जरूरत नहीं, हमको तो खाली डांस देखना था, हम देख लिए। ले जाइए आप, ले जाइए। यार हमको तो खाली बहुत मजा आया यार डांस देख के, बट यार मानना पड़ेगा सर। यार ये बहुत प्यारा मिलन है, सच में क्यूट विलन है। ना ना, हर चीज के लिए इतना फाइटिंग क्यों यार, यू आर ब्रो। क्या बात, यू आर ब्रो यार। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आपने कोऑपरेट किया, आपका डांस देख के बड़ा मजा आया, आप बहुत ज्यादा खूबसूरत, लाइक टू गुड। चलिए हम निकलते हैं अभी। हाँ लेकिन यार वो हमारा एग्जिट है, लेकिन किस रास्ते से जाना था हम भूल रहे हैं, कौन सा हमारा रास्ता। हाँ पूरी, ये भी है। चलिए थैंक यू, मिलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बाय। तो एक बार यामी और विक्की के लिए जोरदार तालियां। और शूटिंग खत्म करते ही हम पहला काम यही करेंगे, हम जाके फिल्म देख रहे हैं और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। उरी तो आपकी फिल्म लोग पसंद कर ही रहे हैं, लेकिन आपकी आने वाली तमाम फिल्मों के लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद और ढेर सारी बेस्ट विशेस, एंड वी लव यू। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच हमें अपने शो पे बुलाने के लिए। ऑलवेज वेलकम, हम आपके बहुत बड़े फैन है। और आजकल की दुनिया में जहाँ इतना स्ट्रेस होता है, इतना पेन है, सब अपनी अपनी जंतोजहद में हो, आपके वजह से कुछ पल हम मुस्कुरा लेते हैं, और ये बहुत बहुत बड़ा काम है। सो थैंक यू सो मच, धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। थैंक यू, जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे दोनों मेहमानों के लिए। और आप सब लोग भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो, ओनली ऑन सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन। गुड नाइट, शब खैर।